सब के आ रहे हैं, जो जो जिन पार्टियों से आ रहे हैं, टिकट की तो बात की बात है, लेकिन पहले तो जनता को ही तय करना है कि हमें कौन सा कैसा कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि जनता ही चुनाव करती है और जनता ही कैंडिडेट को लेकर के आती है। ऐसा ना हो कि फिर 5 साल में पछताना पड़े कि जो 5 साल बीते हैं काम किया है नहीं किया है, ये जनता जानती है। तो ये 5 साल जो आने वाले हैं, जो ये कैंडिडेट जीत के आएगा, तो आप कैसा कैंडिडेट पसंद करेंगे, कैसा ऐसा कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए जो इन 5 साल में हसनपुर के लिए कार्य करें। ये चमन तो सब बनाने की बात करते हैं कि हम चमन बना देंगे, लेकिन मेरी नज़रों में चमन ऐसे नहीं बनता जैसे ये लोग बोलते हैं। तो मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि किस तरीके से यह हसनपुर में विकास होगा, ऐसा कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए जो विकास कर सकता है ईमानदारी। पूरे हसनपुर में आवाज़ उठाए, पूरे शहर की है कि अच्छा खेल होना चाहिए फैसले, और उसी के साथ हम। तो आपको यकीन है कि शकील भाई जीत करके आएंगे तो हसनपुर का विकास होगा? उम्मीद है, पूरा पूरी पूरी उम्मीद के साथ। हाँ, आप बताइए भाई, आपका नाम सलीम खान जी, क्या आपको लग रहा है कि इस साल जो 5 साल में जो कैंडिडेट जो अब जो जनता को उनको जिताएगी, इन 5 साल में इन 5 साल का विकास, या सचिन भाई या कोई भी कैंडिडेट हो जो भी जीत के आएगा, क्या वो कर सकता है? आप कौन से कैंडिडेट को वोट देना पसंद करेंगे, कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो हम लोगों का विकास बेहतर ही होगा, जो हम होगा कैंडिडेट हो जाए तो सीट पर डिपेंड करता है। पहले वो तो DC आए, जनरल आए, और जनरल में आते हैं तो शकील भाई सबसे बेस्ट हैं, और उनसे हम फख्र से कह सकते हैं कि उनसे शकील भाई के काम है, और लोगों को भी करवा सकते हैं। अब वो हमारे लिए 24 घंटे के 48 किसी भी 24 आवर वो हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। पूरे सब आपका ये कहना है कि शकील चौधरी जो है पब्लिक के लिए, आवाम के लिए 24 घंटे समस्याओं को सुनेंगे और विकास का भी यहाँ जो कार्य। हाँ, आप बताइए भाई।